This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में आप सभी को बताया गया था कि अब आपकी क्लास स्टार्ट की जाएंगी रिवीजन क्लासेस, जो कि मास्टर क्लासेस के नाम से होंगी, जिनके अंदर आपको एनसीईआरटी के क्या पढ़ाए जाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और उन इंपोर्टेंट चैप्टर्स के भी आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी जिनके अंदर आपके पास में कवर होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और आपको इन चैप्टर से पढ़ाई जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएंगे। तो हमने ये आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया गया था, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया गया था कि 14 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो आज मंडे 14 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जा रही है। सभी बच्चे अपने माइक बंद करेंगे प्लीज, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। तो देखिए हमने क्या स्टार्ट किया है, तो हमने आपका एक चैप्टर लिया है। हाँ ओके साहिल, देखिए हमने आपका चैप्टर लिया है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया आपका? अब आप सभी बच्चे सामने देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि आपका 9M02 यानी कि 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर कौन सा, आपका दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद आपका स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस के साथ ही सिखाया जाएगा। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से हल कीजिए जल्दी से, और अभी 5:36 हो रहे हैं और आपके पास में सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आप इसको जल्दी से खत्म करें और 5:37 के बाद में 38 पर हम आपको समझाना शुरू कर देंगे जल्दी से। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और पहले वो अपनी तरफ से अपना ऑप्शन बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों की तरफ से सही है। से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर ही आंसर देंगे। ठीक है, बलराम का आंसर आ गया है, पंकज नाम है इनका, जो बलराम शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए, सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे जल्दी से, सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे। ठीक है, राहुल के नाम से भी आ गए, ऋषभ के नाम से आ गए, पवन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, सूरज के नाम से, ऋषभ सिंह के नाम से। ठीक है, देखिए सभी बच्चों के अपने अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आप देख भी पा रहे हो, किसी का बी आया है, किसी का सी आया है, किसी का डी आया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सब बच्चे सामने देखेंगे, समीर का भी आ गया है। ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों से इसके अंदर पूछा क्या गया है, आप लोगों से इसके अंदर पूछा ये गया है बच्चे कि बताइए नीचे दिए गए व्यंजक, जो नीचे कुछ व्यंजक आपको लिखे गए हैं, कि दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। हम अगर आप लोगों से पूछना चाहे कि बताइए बहुपद क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद क्या होता है, आप किसको बहुपद कहोगे, तो आप कहोगे सर वो चीज बहुपद होती है कुछ इस तरीके से लिखी जाने वाली चीज, जैसे लिखा हुआ है सर 4x² - 3x + 7, कि सर इस तरीके से लिखी जाने वाली चीजें बहुपद कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल बहुपद कहलाती है। लेकिन पर सर उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, देखिए कोई भी आपका व्यंजक जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, वो आपका बीजगणितीय व्यंजक, वो आपका बहुपद पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन पर कब कहलाता है वो पॉलिनोमियल? उसके अंदर दो शर्तें होती हैं, कि एक तो उसमें एक्स की जो पावर है, कि एक्स की जो पावर होती है, एक्स की पावर वो कभी भी क्या नहीं होती, आप एक्स को जानते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं, चर, यानी कि इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, सोचे सामने देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि सर एक्स जिसको हम बोलते हैं चर या फिर वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो एक तो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्न में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या नहीं होनी चाहिए? वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे पास में जो बहुपद होता है कौन सा बहुपद होता है। अच्छा, इनमें से बताइए क्या पहला नंबर बहुपद है, से बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या पहला नंबर बहुपद है, तो आप वाई टाइप करें और अगर बहुपद नहीं है तो आप एन टाइप करें। सभी बच्चे देखिए सबसे पहले आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या पहला नंबर बहुपद है, क्या पहला नंबर बहुपद है, अगर बहुपद है तो वाई टाइप करो और अगर बहुपद नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि हाँ सर जो पहला वाला नंबर है वो बहुपद है। ठीक है, और समीर कह रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, देखिए अब आप ये चेक करना चाहो कि पहला वाला नंबर बहुपद है कि नहीं है, तो आप सिर्फ एक चीज देखिए, क्या ये नंबर हमें, क्या ये जो हमें बहुपद दिख रहा है वो इस टाइप का दिख रहा है, आपको हाँ सर दिख रहा है, क्या इसमें जो वेरिएबल है, क्या जो इसके अंदर वेरिएबल है, क्या उसकी पावर कहीं पर भी हमें माइनस यानी कि ऋणात्मक दिख रही है या भिन्न के रूप में दिख रही है? आप कहोगे ना सर इसमें ऋणात्मक दिख रही है और ना ही हमें भिन्न के रूप में दिख रही है, तो आप कहोगे सर पहला वाला नंबर इसके अंदर क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर हम बात करें दूसरे वाले नंबर की,
तो क्या दूसरे वाला नंबर बहुपद होगा? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद तो है, लेकिन पर सर इसमें हमें चर जो है ना वो दो दिख रहे हैं, तो अभी इन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। अच्छा आप तीसरा वाला नंबर बताइए कि बताइए क्या ये बहुपद है? अगर बहुपद है तो वाई टाइप करें, और अगर बहुपद नहीं है तो एन टाइप करें। तीसरा वाला ऑप्शन सही बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन सिर्फ ये बताएंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को देख करके, क्या क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नहीं ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन पर सर इसके ऊपर लिखा है रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब होता है सर एक्स की घात 1/2, यानी कि जो घात आ गई वो भिन्न में आ गई, तो ये बहुपद नहीं होगा। इतना सभी को बच्चों को समझ में आया? चलिए अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया क्या बहुपद है और क्या नहीं है, हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी से। हम तीन क्वेश्चन लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, आप हमें बताना कि बहुपद है कि नहीं है। हमने लिखा 3x2, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर 3x2 + 5x - 4 + 3/x। आप जल्दी से बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? अगर बहुपद है तो वाई टाइप करें, अगर बहुपद नहीं है तो एन टाइप करें। जल्दी से ठीक है, देखो हम बोल देते नाम ऋषभ सिंह, रेखा देवी के नाम से, राहुल कुमार के नाम से, सूरज, कृष्णा, बलराम सभी के नाम से, राहुल जी के, कुमार से नाम से, जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन किया सभी ने कहा सर ये बहुपद है। देखिए आप क्या कहोगे? सर ये बहुपद नहीं है। ये बच्चे सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बहुपद नहीं है। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा ये बहुपद नहीं है। बच्चे प्लीज माइक बंद, किसका माइक ओपन है? बच्चे सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे ठीक है, आप कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखिए सामने आपसे पूछा गया है क्या ये बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। क्यों सर? यहां तक ठीक है, 3x² लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स की पावर क्या है? भिन्न नहीं है और पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है। सर 5x लिखा है सर यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, -4 लिखा है यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर 3/x, और आप जानते हो जब नीचे x आ जाता है तो आप इसको ऐसे भी हल करते हो, कहीं लिखा है 1/x², तो आप इसे लिखते हो ना x की पावर -2, लिखते हो ना x की पावर -2। अगर कहीं लिखा है 1/z³, तो आप इसको लिखते हो ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ एक्स की पावर माइनस आ जाएगी तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी कि आप लिख लीजिए कि x यानी कि जो हमारा चर है वो कभी भी हर नहीं बन सकता, किसी भिन्न का हर नहीं बन सकता। ठीक है बच्चे, एक तो ये चीज हो गया। चलिए इस सवाल से आपने कुछ सीखने के लिए मिला। दूसरा सवाल हम आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं कि दूसरा सवाल ये है 5x² बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए। 5x² फिर से हमने लिखा 5x² - 2x³/(x-1), बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? धर्मपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना कैमरा बंद करके बैठिए। क्या ये बहुपद है? ठीक है, देखिए बच्चे अब आप सामने देखिए बहुपद क्या होता है, अभी तो आपको बताया था। आप देखो पीछे वाली स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो क्या बताया था बहुपद, यानी कि एक्स की जो पावर है ना तो वो भिन्न होनी चाहिए, और यानी कि जो चर है हमारे पास में वेरिएबल है उसकी पावर ना तो भिन्न होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ तो इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है बच्चे कि यहाँ तक तो सर ठीक है 5x², लेकिन पर यहाँ पे लिखा है 2x³/2। यहाँ तो जो एक्स की घात है यानी कि जो वेरिएबल यानी कि जो चर है उसकी जो घात है वो तो किस में आ गई? भिन्न में आ गई। आप कहोगे सर इसकी वजह से, इस वाले पद की वजह से ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चे बहुपद नहीं है, पता भी लगा किस वाले पद की वजह से? आप कहोगे सर इस वाले पद की वजह से जिसके अंदर एक्स की घात कितनी आ गई 3/2, इस वजह से बहुपद नहीं है। तो हमें मोटी मोटी तीन बातें याद रखनी है कि एक्स कभी भी क्या नहीं बन सकता सर, एक्स कभी भी किसी भिन्न का हर नहीं बन सकता, नीचे नहीं आ सकता। दूसरा सर एक्स की घात क्या नहीं आ सकती, सर एक्स की घात भिन्न में नहीं आ सकती। ठीक है, एक्स की घात किस में नहीं आ सकती? एक्स की घात भिन्न में नहीं आ सकती। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा सवाल दे रहे हैं, लिखा है हमारे पास में x² - 5√x + 4, बताइए क्या ये बहुपद है? जल्दी से बताइए क्या ये बहुपद है? अगर बहुपद है तो वाई टाइप करें, और अगर बहुपद नहीं है तो एन टाइप करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से
ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया है कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए बहुपद नहीं है कि 3x² तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके आगे लिखा है -5√x, और आप जानते हो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? सर रूट का मतलब होता है कि रूट एक्स का मतलब है सर एक्स की पावर 1/2। ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर रूट एक्स की वजह से, क्योंकि एक्स की पावर कितना लिखा हुआ है सर 1/2, सर इस वाले पद की वजह से ये बहुपद नहीं है। इतना सभी को समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि आपने एक कंसेप्ट तो सीख लिया है कि आपके बहुपद कौन से वाले होते हैं। अब आप देखिए, चलिए अब आपके माइक बंद ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं मानोगे, अगर इस बार किसी बच्चे का माइक ओपन हुआ तो हम आप लोगों का माइक परमानेंटली बंद कर देंगे, कि आप अपनी तरफ से कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं कर पाओगे। देखिए अब आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर बताइए, क्या चीज पूछी गई है? कि दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, यानी कि जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो। अब ये चर क्या होता है? आप कहोगे सर वेरिएबल का मतलब, चर का मतलब ये होता है कि जो कोई भी वैल्यू रख सके, जिसका कोई भी मान, जो एक ऐसी वैल्यू जो कोई भी मान धारण कर सके सर चर कहलाती है। और इनको हम कैसे लिखते हैं? इनको हम अक्षर एक्स वाई जेड टी क्यू टी इन वाले अक्षरों से लिखते हैं। तो सर हमें एक चर वाला कौन सा पूछा गया है? हमसे पूछा गया सर एक, मीन्स वेरिएबल। बच्चे प्लीज, हमसे पूछा गया एक चर वाला बहुपद। अब आप देखोगे कि यहां पर, देखिए यहां पर कितने बहुपद है, यहाँ पर कितने पद है, सॉरी कितने चर है? आप कहोगे सर एक तो एक्स चर है और एक वाई चर है। सर इसके अंदर तो दो चर है, ये एक चर वाला नहीं है सर, ये दो चर वाला है, ये दो चर वाला है। अगर आप यहाँ देखोगे 1 2 3, सर ये तीन चर वाला है, इसके अंदर तीन वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि बी और डी तो हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। सी हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया एक चर वाला बहुपद। सर ये तो बहुपद ही नहीं है, सर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू, यानी कि जो एक्स की घात है सर, वो तो किसमें आ गई, भिन्न में आ गई। सर ये तो बहुपद ही नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि एक चर वाला बहुपद, तो आपने कह दिया सर जो एक चर वाला बहुपद है वो हमारे पास में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। कैसे? सर इसके अंदर एक ही चर हमें दिखाई दे रहा है, एक्स, और एक्स एक चर वाला बहुपद है। ठीक है बच्चे, ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है। समझ में आ गया सभी को? और इस वाले बहुपद में आप देख पा रहे हो 4x² -3x+7। आप बच्चे इतना भी याद रखो, इतना भी याद रखो कि इस बहुपद के अंदर जो सबसे अधिक घात है, जो सबसे अधिक घात है इस बहुपद के अंदर, वो दो है। तो ये कैसा घात वाला है? आपको सर ये द्वि घात वाला बहुपद है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, द्वि घात वाला बहुपद है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पहला सवाल सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर पहला सवाल सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे के सामने दूसरा सवाल है। देखिए आपसे पूछा गया है त्रिघाती बहुपद का घात डैश होता है, जो हमारे पास में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। बताइए जो हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यानी कि जो त्रिघाती बहुपद होता है, उसकी घात कितनी होती है? ठीक है, ये सवाल सभी बच्चों का ठीक है। सभी को पता है कि सर हमारे पास में जो बहुपद होते हैं, सर हमारे पास में जो बहुपद होते हैं, हमने बहुपद तो जान लिया कि सर कौन सी चीजें बहुपद होती हैं। अब बहुपद को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। सर बहुपद को कितने हिस्सों में पढ़ते हैं? सर हम बहुपद को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो पदों के आधार पर, एक हम इसको पढ़ते हैं पदों के आधार पर कि इसमें कितने पद है पदों के आधार पर, और दूसरा हम इसको पढ़ते हैं किसके आधार पर? आप कहोगे सर घात के आधार पर, घात के आधार पर। यानी कि सर जो बहुपद होता है इसको हम दो हिस्सों पर पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर और दूसरे हिस्सों पर पढ़ते हैं घात के आधार पर। सर ये जो सवाल है ये त्रिघाती बहुपद का, यानी कि सर ये घात के ऊपर है। तो चलिए घात के ऊपर कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास में घात वाला सवाल होते हैं, तो एक तो हमारे पास में पदों के आधार पर होते हैं और एक होते हैं हमारे पास में किसके ऊपर? घात के आधार पर। जैसे कि सबसे पहले अगर हमारी घात एक होगी, अगर हमारी घात एक होगी तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको हम? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं रैखिक बहुपद के, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं हम रैखिक बहुपद के। जैसे कि हमने लिखा 2x+5, बताइए क्या रैखिक बहुपद है? 2x+5 क्या रैखिक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि सर यहाँ पर जो x की घात है वो एक है। जैसे कि हमने लिख दिया टू, जैसे कि हमने लिख दिया थ्री, चलिए थ्री हटाते हैं, हमने लिख दिया फाइव,
वाई प्लस सेवन। क्या ये हमारे पास रैखिक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात भी कितनी है चर की, इसमें एक। तो रैखिक बहुपद यानी कि आप कहोगे सर चर की घात कितनी होती है इसके अंदर, चर की घात एक होती है, तो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। इतना सभी को समझ में आया? बताइए बच्चे, माइक बंद प्लीज, बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक ओपन है। सभी को अरे समझ? एक बार रिपीट करना। बिल्कुल रिपीट कर दे रहे बच्चे, बिल्कुल रिपीट कर दे रहे। देखिए बस माइक बंद रखेंगे सर बच्चे, अगर किसी का डाउट होगा जैसे अभी बलराम ने पूछा है, शायद इनका नाम पंकज है, वैसे ही सर बच्चे पूछ सकते हैं। देखिए यानी कि जो बहुपद होता है, हम लोगों को बहुपद सोच समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो पदों के आधार पर और एक हम पढ़ते हैं घात के आधार पर। अगर घात के आधार पर बात करें बहुपद की, तो सर सबसे पहले हमारा आता है रैखिक बहुपद। कौन सा आता है हमारे पास में? रैखिक बहुपद। यानी कि वो सभी बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं जिनमें चर यानी कि जो वेरिएबल की अधिकतम घात होती है वो एक होती है। ठीक है बच्चे, यानी कि रैखिक बहुपद वो वाले सभी बहुपद होते हैं जिनके अंदर चर यानी कि जो वेरिएबल की अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात कितनी होती है बच्चे? वो एक ही होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिख के दिखाया गया है कि 2x+5 एक हमारे पास में रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है यानी कि इसके अंदर जो चर है वो एक्स है और इसकी घात कितनी है? एक है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा 5y+7 तो आप कहोगे सर इसके अंदर चर तो वाई है और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है यानी कि अधिकतम घात कितनी है? एक है। अब आप अगर सभी को समझ में आ गए तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी से आप हमें बताना, हरे रंग से हम लिख करके पूछ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बताना क्या ये एक रैखिक बहुपद है। देखिए हमने लिखा 5y, सॉरी हरे पेन से हमें लिखना है, हमने लिखा 5y+√2। आप हमें बताइए क्या ये रैखिक बहुपद है? आप हमें बताइए क्या रैखिक बहुपद है? अगर बहुपद है रैखिक बहुपद तो वाई वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, बाकी बच्चे भी टाइप करो, सिर्फ एक ही बच्चे टाइप कर रहे हैं। अच्छा बलराम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या वो अपना माइक ओपन करके बताएंगे कि ये रैखिक बहुपद क्यों नहीं है? आप एन टाइप कर रहे हो कि रैखिक बहुपद नहीं है, तो आप हमें बताइए क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि सर हम अभी तक पढ़ते आए, जो भी बहुपद होगा ना सर, हाँ उसके वो रूट में नहीं होगा और ना ही उसकी ना पावर माइनस में होगी। बिल्कुल, लेकिन पर ये तो बताओ रूट के अंदर तो चर है ही नहीं बच्चे। हमने देखो साफ साफ लिखा था चर के बारे में, देखो आप देखिए ना हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था, अरे वो स्लाइड कहाँ गई जिस पे लिखा था, शायद वो हमने मिटा दिया, जो चर होती है शायद वो हट गई है, जिसमें हमने लिखा था ये तो रहा नहीं बच्चे, हमने लिखा था देखो जो चर होती है, चर की जो घात होती है, जो चर होता है, जो चर की घात आती है, ना तो घात क्या हो सकती है, चर की घात, हमने चर की घात के बारे में बोला था, जो चर की घात है ना तो वो भिन्न हो सकती है ऐसे बोला था ना, और ना ही वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है, यानी कि हमने कहा रूट भी नहीं आ सकता तो किसके ऊपर नहीं आ सकता, चर के ऊपर नहीं आ सकता बच्चे। देखो इस वाले सवाल में देखो सर, यहाँ चर के ऊपर रूट था, ठीक है सर, यहाँ चर नीचे हर में था तो नेगेटिव आ रही थी, आप कहोगे सर रूट के अंदर चर नहीं आ सकता, लेकिन पर रूट के अंदर एक नंबर जरूर आ सकता है, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में क्या है, ये रैखिक बहुपद है बच्चे। अब आप बताइए मीन्स सर वेरिएबल अगर रूट में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। हाँ, अगर वेरिएबल, अगर चर हमारा यानी कि जो हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू आर टी से हम जिन्हें लिखते हैं, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ वाई रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर आपका नंबर चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिख दें कि हमें बताइए √3y-k5 क्या ये रैखिक बहुपद है, आप कहोगे हाँ सर ये रैखिक बहुपद है क्योंकि जो इसमें चर है सर इसकी घात एक ही है, इसके आगे √3 लगा हुआ है कोई बात नहीं, इसके ऊपर तो रूट नहीं है ना। ठीक है, आप समझ में आया, बोलिए एक बार पंकज। यस सर, ठीक है, यस सर, आ जो गया भी सर चर समझ होगा में। उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, बाकी रूट में कोई नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आ किसी बच्चे का ये डाउट अगर हम सर एक बार लेते हैं। मैम ने कोई क्वेश्चन सर ने कोई क्वेश्चन करवाया था, जब मैंने इसका सर वाई ही किया था, सही किया था कि यह बहुपद है, लेकिन सर ने कहा यह बहुपद नहीं है, ठीक है, आप समझ में आ इसलिए गया क्यों नहीं मैंने। है। ठीक है, अच्छा ये बताओ √3y-k/2/√3 हम लिख दें, बताओ ये बहुपद है, ये वाला बताइए ये बहुपद है √3y-2/√3, आप कहोगे हाँ सर ये भी बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है, क्यों, क्योंकि सर सारी बात चर की हो रही है, चर की घात एक है और सर चर की घात माइनस भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, बाकी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, तो ये रैखिक बहुपद है, इतना समझ में आया।
यानी कि अगर हमारी चर की घात एक है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब आप देखिए, अगर सर घात दो हो जाएगी, अगर घात दो हो जाएगी तो आप क्या कहोगे, ये द्विघाती है। और अगर घात तीन हो जाएगी तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास में, त्रिघाती है। क्या ये त्रिघाती है? अब आपको पता लग गया कि त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, आप कहोगे सर त्रिघाती बहुपद का घात तीन होता है। ठीक है बच्चे, अब एक बार जल्दी से वाइट टाइप करके बताओ, आप समझ क्यों समझ में आ गया ना सर? जो रैखिक बहुपद होता है उसकी घात एक होती है, जो सर द्विघात होता है बहुपद उसकी घात दो होती है, और त्रिघाती बहुपद का घात तीन होता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम घात की बात कर रहे हैं तो एक बार हम घात का एक क्वेश्चन भी लिख देते हैं। लिख दे क्वेश्चन जल्दी से, आप हमें बताना। ठीक है, हमने लिख दिया है, जब घात की बात हो ही रही है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। लिखा है 5y^6 - 4y^2 माइनस के 6, बताओ जरा इस बहुपद की घात कितनी है। सबसे पहले बताओ क्या ये बहुपद है, और जब बहुपद है तो बताइए इसकी घात कितनी है। चलिए इससे बच्चे बताएंगे क्या ये बहुपद है। आप कहोगे यस सर बहुपद है, क्योंकि बहुपद के अंदर सर जो हमारे पास है वेरिएबल चर है, सर ये रहा वाई, ये रहा वाई, यहाँ पर घात 6 है, यहाँ पर घात 2 है, दोनों जगह सर कहीं पर भी घात भिन्न नहीं है, कहीं पर भी घात माइनस की नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो बताओ उसकी घात कितनी है, बताइए इस बहुपद की घात कितनी है। सभी बच्चे बताएंगे इस बहुपद की घात कितनी है। देखो ये मत सोचना सर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं बच्चे, जब चार। तक आप नहीं करोगे जब तक पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 8 इस बहुपद की घात है, एक बच्चा कह रहा है 6 है, एक कह रहा है 12 है। चलिए हम सभी का आंसर बता दे रहे हैं कि कुछ बच्चों ने तो क्या करा है, कुछ बच्चों ने तो दोनों घातों को जोड़ दिया है, उन्होंने कहा सर 8 आंसर है। कुछ बच्चों ने 6 × 2 कर दिया, सर 12 आंसर है। कुछ बच्चों ने 6 में से 2 को घटा दिया, सर 4 आंसर है। नहीं बच्चे ये कुछ भी आंसर नहीं है। आप कहोगे सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख लेंगे किसी बहुपद की घात को कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद की घात को कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर अगर हमारे पास में बहुपद, अगर हमारे पास में बहुपद कैसा है एक चर वाला है, अगर हमारे पास में बहुपद कैसा है एक चर वाला है, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक चर वाला ही तो है सर, इसके अंदर वाई ही तो है सर, इसके अंदर वाई ही तो है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। और एक चर वाले बहुपद के अंदर, एक चर वाले बहुपद के अंदर आप कहोगे सर जो बहुपद की घात होती है, लिख लीजिए बहुपद की घात, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताते हैं, देखिए लिखे सब बच्चे बहुपद की घात, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होती है बहुपद की घात या फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? आप कहोगे सर जो मैक्सिमम, ये जो अधिकतम घात होती है, जैसे कि आप कहोगे सर इस चर के अंदर जो अधिकतम घात है सर वो क्या दिख रही है, आप कहोगे सर 6 दिख रही है। कितनी दिख रही है अधिकतम घात? 6 दिख रही है। सर कहाँ दिख रही है अधिकतम घात? आपने कहा सर ये रहा हमारा चर और ये रही इसकी घात 6, सर ये रहा हमारा चर और ये रही इसकी घात 2, सर दो आंसर नहीं हो सकता। आप कहोगे सर जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, सर इसके अंदर जो घात है वो 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि सर यहाँ पे चर की घात क्या है, 6 है अधिकतम। ना तो हम गुणा करेंगे, ना भाग करेंगे, ना जोड़ेंगे, ना घटाएंगे, सिर्फ एक ही पद उठाएंगे जिसकी अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम आपके सामने एक सवाल लिख दे रहे हैं, आप सभी से पूछ ले रहे हैं कि बताइए इस बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, चलिए हमने लिखा है एक बहुपद, आप सभी बच्चे बताएंगे इस बहुपद की घात कितनी है। यहाँ पर लिख देते हैं हरे रंग से। देखिए एक बहुपद हमने लिखा है 9x^7 + 2x^4 + 5x^11 + 4x - 7, बताइए जरा इस वाले बहुपद की घात क्या है, बताइए इस वाले बहुपद की घात क्या है। सभी बच्चे बताएंगे इस वाले बहुपद की घात क्या है, सभी बच्चे बताएंगे इस वाले बहुपद की घात कितनी है। वेरी गुड, यानी कि सभी को समझ में आ गया सर ये एक बहुपद है। आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि सर यहाँ पर जो चर है वो एक्स है, यानी कि ये जो बहुपद है वो एक ही चर वाला बहुपद है, क्योंकि सर कहीं पर भी एक्स की पावर क्या नहीं आ रही है सर, माइनस नहीं आ रही है सर, भिन्न में नहीं आ रही है, रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया बहुपद है। और इसमें सर अधिकतम घात हमें कितनी दिख रही है, 11, तो आप कहोगे सर इस वाले बहुपद की जो घात है वो 11 कहलाएगी। सर हमें 7 4 से कोई मतलब नहीं है, आंसर तो 11 है। ठीक है, चलिए
अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 3। और देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने पढ़ा होगा मध्य भिन्न को, होता नहीं है मध्य भिन्न को ब्रेक करके आप फैक्टर करते गुणनखंड करते हो, वो वाला सवाल है कि यदि दिए गए बहुपद बहुपद क्या है हमारे पास में, बहुपद है टी के अंदर, बहुपद किसमें टी के अंदर, और बहुपद लिखा गया है t² - k 3t + k 2 का t = 0, t = 1, t = 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। पहले आप सभी बच्चे इतना ही सवाल कर रहे हैं, सिर्फ इतना, आगे का सवाल कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ पहले आप लोग इतना ही सवाल देखिए। आपसे कहा गया है एक बहुपद है pt जिसको हमने ऐसा लिखा है, बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक ओपन हो रहा है वो प्लीज माइक बंद कीजिए। देखिए एक बहुपद है हमारे पास में t² - 3t + 2, और आपने इसको किसके थ्रू, सर हाँ बच्चे इसको सर 3 बार डिवाइड करके करें या फिर तीनों का आंसर एक ही बार दे दें? करने नहीं, 3 बार अलग अलग हिस्से बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपसे पूछा गया बच्चे t = 0 तो करना है। पड़ेंगे सर, मैं कह रहा हूं कि तीनों का एक ही साथ जवाब दे दूं या फिर बारी बारी दूं? हाँ बच्चे एक ही साथ दे दो, अगर आप देखो कर पा रहे हो सभी बच्चे सोल्व, तो आपके लोगों के पास में अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, और 6 बज करके 2 मिनट तक का टाइम है आप लोगों के पास में, आप तीनों आंसर कोमा लगा के सेपरेट करके भेज दीजिए, या फिर थोड़े थोड़े से गैप पर आप बताना हमें p0 का मान कितना होगा, आप हमें बताना p1 का मान कितना होगा, और आप हमें बताना p2 का मान कितना होगा। चलिए सभी बच्चे आप अपना आंसर निकालिए, और पहला p0 का आंसर आ जाएगा तो आप थोड़ा सा स्पेस दे देना, वहां पर p1 का मान रख देना, और वहां थोड़ा सा स्पेस देके p2 का मान रख के जल्दी से अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे अपना मान जल्दी से आंसर निकालिए, और एक बार अपने आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। सभी बच्चे अपना इस सवाल को हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। अमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आंसर निकालने के लिए कहा है। बच्चे आपको हमने पहले भी बताया था, अगर आपको बच्चे 2 2 मिनट दिए जाते हैं सवाल को हल करने के लिए, तो आप उस 2 मिनट को इस्तेमाल क्या करो, उससे ये पता लगता है कि आपको कितनी चीजें आती हैं और कितनी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, टाइम तो कट ही जाता है, टाइम काटने की बात नहीं है बच्चे, पर सीखने की भी बात होती है कि अगर आप 1 घंटे के लिए हमारे साथ में जुड़े हो तो आप उनमें कुछ चीजों को सीख सको। चलिए राहुल कुमार, आपने बच्चे पता नहीं कैसे क्या है, आपने हमें लग रहा है कि बलराम का क्वेश्चन उठाया है, सीधा सीधा पेस्ट करके भेज दिया है ऑप्शन को। सर इसने तो हाँ बिल्कुल ही सेम भेज दिया, मैंने तो जो हाँ टू वाला हाँ था ना तो वो बाद में राहुल भेजा है। जरा तुम अपनी कॉपी जरा दिखाना बच्चे, राहुल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपने सीधा सीधा आंसर कॉपी पेस्ट किया है, आप अपनी कॉपी दिखाओ कहां पर हल किया है बताइए बच्चे, दिखा रहे हो क्या कॉपी आप अपनी, नहीं क्या है, चले हम आपको हल ही करा देते हैं, इससे अच्छा है कि बच्चे अपना टाइम खराब करें। देखिए आपको एक बहुपद दिया गया है, और बहुपद को लिखने का तरीका यही होता है कि आपने बताया कि बहुपद p बताता है हमारे लिए बहुपद, और बहुपद किसमें, वो चर t में है, इसको ऐसे लिखा जाता है, किसी भी बहुपद को आपने लिखा सर py, इसका मतलब है कि आप एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की बात कर रहे हो जिसका चर y होगा, आप इसे कुछ भी ले सकते हो सर, y की पावर 11 + 7, सर y की पावर, एक गलती हो गई, मैंने देखिए निकालते समय टी का स्क्वेयर नहीं देखा, पहले अच्छा, कोई मैंने बात नहीं, t+2 का कर दिया, निकाल दिया सीधा। कोई बात नहीं, अब हम समझा देते हैं सभी को। ठीक है देखिए, आपने कहा सर ये लिखने का तरीका है कि किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि किसी बहुपद को चर t में लिखने का तरीका है t² - 3t + 2, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लिखें अगर एक py, इसका मतलब है पॉलिनोमियल वेरिएबल y के अंदर, हिंदी में बोले तो बहुपद चर y के अंदर, अब देखो कुछ भी हो सकता है y के अंदर, आप देखो y की पावर 7 + 7 y की पावर 11, तो बस ये सारा का सारा बहुपद y में ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चर है वो y है, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल है वो y है, बस इतना रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है तो सर यहां तक तो कुछ नहीं दिया, यहां तक तो सिर्फ हमें बहुपद को लिखकर दिखाया गया कि जो बहुपद है वो t² - 3t + 2 है, आपसे पूछा गया t0 का मान,
आपने कहा सर टी की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। भाई टी की जगह तो जीरो रखना है, तो आपने टी की जगह जीरो रखा, सर यहाँ पर भी टी की जगह जीरो रखा, तो जीरो का वर्ग माइनस 3 × 0 + 2। जब आप आगे चलोगे तो सर जीरो का वर्ग जीरो होता है, माइनस 3 × 0 सर जीरो हो जाता है, प्लस 2। आपने कहा सर पी जीरो का मान तो हमारे पास में 2 आ गया। इतना सही बच्चों को समझ में आया कि पी जीरो का मान 2 होगा, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि आपने सर टी की जगह उठा करके जीरो रख दिया है। ठीक है चलिए, हमने टी की जगह उठा करके क्या रख दिया, जीरो। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि पी वन का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर हमारे पास में पी वन का मान होगा सर जो हमें दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है सर सामने, टी की जगह 1 रख देंगे सर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 2। आपने कहा सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 3 × 1 तो सर 3 ही होता है, प्लस 2। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आप जानते हो कि जिनके सेम साइन होते हैं, जैसे कि सर ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, तो सर ये जुड़ जाएंगे, सर प्लस के 3 हो जाएंगे, ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और एक माइनस के 3 है सर, कट के आ जाएगा 0। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि P1 का मान 0 होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया P1 का मान 0 होगा। ठीक है चलिए, सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम निकाल लेते हैं P2 का मान। चलिए सभी बच्चे इस तरीके से P2 का मान निकाल कर भेजिए, सभी बच्चे P2 का मान निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे सर P2 का मान इतना होगा। यशपाल नाम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बार बार चैट सेक्शन में बच्चे नाम लिखने से कुछ हासिल नहीं होता, हमें पता लग गया है कि बच्चे आपका नाम यशपाल है, अब इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने नाम लिखने की बजाय, आपको देख करके बच्चों को ऐसा लगता है कि नाम लिखने से पता नहीं क्या हो जाता है। अजय सोनी के नाम से जिस बच्चे ने अपनी क्लास ज्वाइन किया है वो भी अपना नाम लिख कर भेजने लगते हैं। अरे भाई अगर नाम लिखने से सब कुछ हासिल हो जाता तो लोग बाग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते और अपना नाम ही लिखकर भेजते रहते, ऐसा नहीं होता बच्चे कुछ भी। तो आप नाम लिखने की जगह आंसर लिखकर भेजिए कि हाँ सर हमने हल किया है, आंसर लिखकर भेज रहे हैं। आप कहें तो हम अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा दें तब तो अच्छा लगता है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर निकालेंगे जल्दी से और चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, सिर्फ पंकज का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। अब देखो हम P2 का मान भी बता देते हैं आप सभी को। जब आप T की जगह 2 रख दोगे, आपने कहा सर ये रहा T² माइनस 3T + 2, और इसके अंदर सर हम T की जगह 2 रख देंगे तो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। सर हम अच्छे से जानते हैं कि सर 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस सर 3 × 2 = 6 होता है, सर प्लस 2। और अभी अभी सिखाया था जिनके सेम साइन होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जैसे कि +4 + 2 सर जुड़कर हो गए हैं +6, और सर 1 हमारे पास में बचा हुआ है -6, सर कट के हो गए 0। इतना सभी को समझ में आ गया है? अगर सभी को समझ में आ गया है तो बच्चे एक काम और कर दो, P5 का मान और निकाल दो। P5 का मान सभी बच्चे P5 का मान निकालेंगे और चैट सेक्शन में टाइप करके भेजेंगे सर P5 का टाइप, P5 का मान निकालेंगे और सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। हम सभी 17 के 17 बच्चों का आंसर देखना चाहते हैं, P5 का मान कितना होगा, और एक एक बच्चे का देखेंगे। चलिए सभी बच्चों का कमेंट देखा जाएगा और हर नाम से कमेंट आया कि नहीं आया देखा जाएगा। अजय सोनी के नाम से, अमन के नाम से, अशोक के नाम से, बलराम के नाम से, धर्मपाल के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से, नरेश के नाम से, पवन के नाम से, पीयूष के नाम से, राहुल के नाम से, रेखा के नाम से, ऋषभ के नाम से, सूरज के नाम से, सभी बच्चे अपना अपना कमेंट सेक्शन में आंसर भेजेंगे। ठीक है, ऋषभ का आंसर आ गया है, और बच्चे अपना आंसर भेजिए। पूरे 17 बच्चों का आंसर देखेंगे। ऋषभ आपने एक बार आंसर कर दिया, बाकी दोबारा आंसर नहीं भेजोगे आप। ठीक है, यशपाल का आंसर आ गया है, पंकज का आंसर आ गया है, ठीक है, रेखा देवी, सूरज के नाम से आंसर आ गया है। अजय सोनी बच्चे वाई टाइप नहीं करना, आंसर टाइप करना है। आपका कितना आंसर आ रहा है? चलो आप अपनी कॉपी दिखाइए, जिस बच्चे ने अजय सोनी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, दिखाना जरा एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ। बच्चे जल्दी दिखाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अजय सोनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना कैमरा फ्लिप करके जरा दिखाना, उन्होंने कहां पर हल किया है सवाल को। सर हम दूध लेने जा रहे हैं सर। ठीक है बच्चे,
चलिए हम कॉपी देखेंगे नहीं, कॉपी देखने का टाइम आ जाता है तो बच्चे दूध लेने चले जाते हैं। देखिए हमें P5 का मान पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है, बस T की जगह आपको 5 रख देना है। T की जगह क्या कर देना है बच्चे, आपको मैं 5 रख दिखाऊं देना है। तो नहीं बच्चे आपने, तो क्या होगा हमें पता है ना, उन्होंने सीधा जैसा जैसे हमने कहा उन्होंने तुरंत आंसर भेज दिया कॉपी करके ऊपर से किसी का। देखिए P5 का मान पूछा गया, तो आपने कहा सर T² माइनस के 3T प्लस 2 के अंदर, सर हमें T का मान 5 रखना है, तो सर ये हो गया 5 का वर्ग माइनस 3 गुणा 5 प्लस 2। जब हल करा तो सर 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस सर 3 पंजे कितना होता है 15 प्लस 2। सर जिनका सेम साइन होता है सर वो जुड़ जाते हैं, जैसे कि 25 और 2 कितना हो गया 27, और सर 27 में से 15 गए तो कितना बचा हमारे पास में 12। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए सर इतना तो समझ में आ गया है, सर इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, सर उसको भी हल करा दो, उसको भी सिखा दो। देखिए बच्चे उसको भी सीख लेते हैं, उसके आगे हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है कि आप सभी बच्चे हमें बताइए, देखिए बच्चे आपसे पूछा गया है कि आपको इस बहुपद का शून्यक भी बताना है, लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए, पढ़कर सभी को समझ में आया है। देखिए आपसे पूछा गया है मान ज्ञात करने के बाद है, और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, बहुपद का शून्यक भी पूछा गया है। देखिए आप बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हो हम आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है T² माइनस के 3T + 2, पहले हम समझाएंगे फिर आप दूसरा सवाल करोगे। देखो मान लो इस T² की जगह यहाँ लिखा होता 5T², तब क्या करते हैं आप, सर 5 की जगह अगर यहाँ लिख दिया जाता 7T², तब क्या करते हैं आप। तो आप सबसे पहले ही देखोगे कि कोई भी द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, आपको सर ax² + bx + c, और सर यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो सर ये द्विघात नहीं बनेगा, फिर तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई संख्या ए रहेगी, वो 0 नहीं हो सकती। जैसे कि आप कुछ नहीं है तो सर क्या यहाँ पर, आपको कहो सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो T² का यहाँ पर जो भी गुणांक होगा आप उसकी यहाँ पर अचर संख्या के साथ में गुणा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, अचर संख्या के साथ में गुणा कर दोगे, तो गुणा करने के बाद में आ गया 2। आप सभी बच्चे बताइए 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, आपको सर 1 गुणा 2 ही होते हैं, सर 2 के फैक्टर तो 1 गुणा 2 ही होते हैं। सर अगर 10 आता तो क्या क्या हो सकते थे, सर 1 गुणा 10 को हम लिख सकते हैं, सर 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, बस सर इतने लिख सकते हैं 10 को हम गुणा की फॉर्म में। तो आपने कहा सर गुणा की फॉर्म में 2 को हम इतना ही लिख सकते हैं 1 गुणा 2। सर यहाँ पर सबसे पहले साइन देखेंगे अब हम, सभी बच्चे देखिए ध्यान ध्यान से, आपके ही एनसीईआरटी के सवाल है सारे। देखिए आपने कहा सर सबसे पहले तो हमने a * c कर लिया, यानी कि सर सबसे पहले तो हमने अचर को गुणा कर लिया T² के गुणांक के साथ में। सर संख्या ही 2 तो ओके, हमने फैक्टर भी कर लिए 1 गुणा 2। अब सर यहाँ पर जो साइन है ये हमें बताएगा कि सर प्लस करने के बाद में 3 आना चाहिए, सर इनको तो जोड़कर भी 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T² माइनस का साइन एज इट इज, बस हमने 3 को छोड़ दिया, बाकी T एज इट इज +2। ठीक है, और 3 को हमने लिख दिया कितना 2 + 1। ठीक है 2 + 1 जोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला साइन हमें बताएगा कि जोड़ करके 3 आना चाहिए। अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसके अंदर लिखा हो 5x² - 7x + 4, तो आपको सर जोड़कर 7 आना चाहिए, और कहीं लिखा हो -11 तो सर माइनस करने के बाद में 7 आना चाहिए। ठीक है, ये अचर संख्या के साथ में जो भी साइन होता है वही हमें बताता है कि हमें ब्रैकेट वाली संख्या जोड़कर लिखनी है या घटाकर लिखनी है, तो सर ये जोड़कर 3 आना चाहिए। जब आप इसको आगे हल करोगे तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप इस टी को अंदर रख दो, कि सर माइनस के 2T + 1T + 2, यानी कि आपने टी को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया। अब आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो सर T² माइनस है तो सर अंदर के साइन बदल जाएंगे कि 2T - T + 2। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर यहां तक तो हमारा टी कॉमन आ जाएगा, बचेगा सर T - 2, और सर यहां पर हमने माइनस के 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर आ गया T - K2। ठीक है बच्चे, अब आपको इसके शून्यक निकालने हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास में एक समीकरण इस तरीके से बन गया है T - 2 तो सर कॉमन आ गया है, बचा हमारे पास में T - 1। सर शून्यक निकालने तो 0 के बराबर पुट कर देंगे, या तो ये टर्म 0 होगी हमारी, यानी कि हमने कहा सर या तो T - 2 का मान 0 होगा तो सर T का मान 2 हो जाएगा, या फिर सर T - 1 का मान 0 होगा तो हमारे पास में T का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या ये इस तरीके के क्वेश्चन करने आते हैं, या फिर ये समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो,
क्या सर समझ में आ गया? एक और सवाल दे दो कराने के लिए जल्दी से। सभी बच्चे टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया है तो हम एक और सवाल जल्दी से दे देते हैं करने के लिए कि आप उसके गुणनखंड करना। ठीक है, लिख देते हैं सवाल। देखिए, हमने एक सवाल आप लोगों के लिए सामने लिख दिया है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से ट्राई करना। ये रहा एक सवाल। देखिए, 6x² प्लस 7x-3। सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे कि आप इसका गुणनखंड करेंगे और फिर आप इसके शून्यक निकालेंगे क्या क्या होंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका पहले गुणनखंड करेंगे और फिर शून्यक निकालेंगे कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे। सभी बच्चे इसके मध्य पद को ब्रेक करके आप इसके शून्यक निकालेंगे, सॉरी गुणनखंड करेंगे और फिर आप इसके शून्यक निकालेंगे कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे। जल्दी से, 6:15 हो रहे हैं, 6:17 तक आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख करके भेजिए, सर इसके शून्यक ये आ रहे हैं। सर एक्स का मान क्या रखना है? सर बच्चे एक्स का मान नहीं रखना है, अभी तो आपको बताया था हमें एक्स का मान नहीं करना रखना है। बच्चे देखो, वो सवाल कुछ और था, उस सवाल के अंदर पहले आपसे एक्स की वैल्यू रखवाई गई थी और बाद में आपसे उसके शून्यक निकलवाए गए थे। ठीक है, हम उस सवाल पे फिर से आएंगे, आप एक बार इसको मध्य बिंदु आता है कि नहीं आता है पहले तो आप सभी ये बच्चे बताइए कि क्या आपको इसके मिडल टर्म के फैक्टर करने आते हैं, यानी कि जो मध्य पद होता है इसको विभाजित करके गुणनखंड करने आते हैं? नहीं आते। ओहो, ठीक है, अभी हमने समझाया था, एक और सवाल हम समझा देते हैं आप सभी को। देखिए जल्दी से, फिर आप अगला सवाल कर देना। देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दो। आपने कहा सर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है, तो आप सबसे पहले a की गुणा c में करोगे, यानी कि जो भी आपके x² का गुणांक होगा आप उसको अचर के साथ गुणा कर दोगे। तो सबसे पहले आपने कहा सर x² का गुणांक कितना है, 6, और सर अचर कितना है हमारे पास में, 3। तो आपने 6 की गुणा 3 में कर दिया तो सर 18 आ गया। 6 की गुणा 3 में कर दिया तो कितना आ गया बच्चे, 18 आ गया। अब आप 18 को फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हो? आप लिखोगे सर 1 गुणा 18, सर 18 के बराबर ही होता है। सर 2 गुणा 9, सर ये भी 18 के बराबर ही होता है। सर 3 गुणा 6, सर ये भी 18 के बराबर ही होता है। और बताइए आप क्या लिख सकते हो? आप क्या इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, आप तो आगे लिखोगे तो सर 1 से भाग हो जाता 18, तो 1 गुणा 18। सर 2 से भाग कर सकते हैं 18 को, सर तो 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। सर 3 से भाग कर सकते हैं 18 को, तो सर 3 गुणा 6 लिख सकते हैं। सर 4 से तो भाग ही नहीं कर सकते, सर 5 से भाग नहीं कर सकते 18 को। हाँ सर, 6 से भाग कर सकते हैं, यानी कि अब आपकी संख्याएं पलटने लगेंगी। 6 गुणा 3 18 होता है, 9 गुणा 2 18 होता है, और 18 गुणा 1 18 होता है। तो सिर्फ आप यहां तक का एक ही पेयर बनाया करो। अब आपको क्या करना है, पहला काम हो गया आपका कि आपने ए गुणा सी करा, सबसे पहला काम हो गया कि आपने ए गुणा सी किया। दूसरा काम हो गया कि सर हमने सारे गुणनखंड कर लिए जो भी ए गुणा सी कर कराया है। तीसरा काम सर यहाँ का साइन देखेंगे कि माइनस करने के बाद 7 आ जाए। अब आप देखिए, जब आप 18 में से 1 को घटाओगे तो सर 17 आएगा, सर जब हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो सर 3 आएगा, ना तो ये हमारे काम का। हाँ सर, जब हम 9 में से 2 को घटाएंगे तो सर 7 आ जाएगा, यानी कि ये वाला साइन हमें बताता है कि जो ब्रैकेट में संख्या लिखनी है, जो ब्रैकेट में संख्या लिखनी है वो कैसे लिखनी है सर, वो घटाकर 7 आनी चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया कि सर ये 9-2 होगी। इतना समझ में आया कि 9-2 क्यों लिया? क्योंकि सर ये वाला साइन बताएगा कि घटाकर आनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स को लेकर जाना है। आप लिखोगे 6x² प्लस 9x-2x-3। अब आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन बदलेंगे नहीं, यानी कि आप लिख दोगे 6x² प्लस के 9x-2x-3, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन बदलेंगे नहीं, यानी कि 9x-2x। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 3x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आपने 3x कॉमन निकाल लिया। जब आपने 3x कॉमन निकाल लिया तो सर यहाँ बचेगा 2x+3। सर यहाँ पर भी 2x+3 बन जाएगा, अगर हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो सर ये 2x+3 बन जाएगा। और सर अब आप यहाँ पर देखो, इन सभी के अंदर 2x+3 है, तो सर हमने 2x+3 ले लिया, तो सर हमारे पास में बच जाएगा 3x-1।
अब आप हमें बताइए कि आपको ये सारी चीजें आती है कि नहीं आती है। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि अंदर एक्स के साथ गुणा कर दी, इसके बाद में भी समझ में आ गया होगा कि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन बदलेंगे ही नहीं, ठीक है बच्चे? यानी कि यहां तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें क्या करना होता है बच्चे, फैक्टर करना होता है, यानी कि हमें कॉमन निकालना होता है। जैसे कि 6 और 3 के अंदर आप जानते हो ना महत्तम समापवर्तक, तो हमने कहा सर इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 6 और 9 का सर महत्तम यानी कि मैं से होता है सर 3, और एक्स स्क्वायर और एक्स का मैं से होता है सर हमारे पास में एक्स, तो आपने मैं से लिख लिया है यानी कि महत्तम समापवर्तक। फिर आपने कहा सर जब 3x से भाग करेंगे 6x² को, जब हम 3x से भाग करेंगे सर 3 से कटेगा 2 बार में, सर x की घात 1 है तो सर 1 बच जाएगी यानी कि 2x+3 बच जाएगा। इसी तरीके से सर हमें अगले वाले खाने में 2x+3 ही चाहिए, तो इसको 2x+3 बनाने के लिए सर ये दोनों ही माइनस में थे तो आपने 1 माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गए 2x+3। अब आपने कहा सर दोनों के अंदर 2x+3 कॉमन है तो बस बचेगा सर 3x-k बार, ठीक है? चलिए अब हम आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहे हैं जल्दी से, आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे जल्दी से गुणनखंड करेंगे। देखिए सभी बच्चे इसको जल्दी से गुणनखंड करेंगे, लिखा हुआ है 9x² 9x² माइनस के 22x प्लस के 8। चलो जल्दी से सभी बच्चे इसके गुणनखंड करके हमें आंसर भेजो कि सर इसका आंसर ये होगा। माइक ओपन करके बता देना कि सर इसका आंसर ये होगा, या फिर आप एक काम कीजिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं कि सबसे पहले तो आप 9 की गुणा 8 में कर लेना सर, 9 8 72 हो जाएगा, फिर आप 72 के गुणनखंड कर लेना कि सर 1 गुणा 72 सर 2 गुणा 36 3 गुणा, इस तरीके से सर 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12, इस तरीके से। अब आप देख लेना कि सर यहाँ प्लस का साइन है तो ऐसे कौन से गुणनखंड है जिन्हें प्लस करके 22 आ जाए, जैसे कि इनको प्लस करके तो 27 आएगा, तो अगला जो फैक्टर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा सर 4 से गुणा करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 4, यानी कि आपके गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 18, तो आप इसको 22 को लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 18, और फिर आपको सारी चीजें समझा दी गई है। तो आप सभी बच्चे इसको होमवर्क में लिख लीजिए जल्दी से, हम आपको एक और सवाल करा देते हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों का होमवर्क है कि 9x² माइनस के 22x+8 को आप लोग होमवर्क में हल करोगे, ठीक है? चलिए अब आप लोगों के पास में एक और है, जल्दी से आप इस सवाल को समझेंगे। यदि एक्स माइनस एक बहुपद पी एक्स 2x² + kx + √2 का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? चले हम आप लोगों को 2 मिनट दे दे रहे हैं कि अभी 6:22 हो रहे हैं, 6:24 पर हम समझाना शुरू कर देंगे, जिसका भी आंसर हो जाता है वो सॉल्व करके चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेज सकता है जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से, आपको क्या चीज दी गई है? आपको दिया गया है कि यदि x माइनस एक बहुपद पी एक्स बराबर x² + kx + 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसमें एक्स सर इसमें एक्स माइनस वन है क्या? नहीं बच्चे x माइनस वन नहीं है, देखो लिखा है x माइनस एक क्या है हमारे पास में गुणनखंड है। मान लो अगर x माइनस वन एक गुणनखंड है, तो आप जानते हो कि अगर x माइनस वन एक गुणनखंड है तो आप क्या कहोगे? अगर x माइनस वन एक गुणनखंड है तो x बराबर एक, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो आएगा x बराबर एक, इसका एक शून्यक है। और शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि अगर हम समीकरण में x का मान एक रख देंगे, अगर हम समीकरण या बहुपद में x का मान एक रख देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सर ये वैल्यू शून्यक है तो शून्य के बराबर आ जाएगी, यानी कि अब आप इसको हल करो शून्य के बराबर रखकर, तब आप इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है? समझ में आया पंकज आपको कि अगर x माइनस एक एक गुणनखंड है तो आप कहोगे सर x माइनस वन एक अगर गुणनखंड है तो हम x माइनस वन को 0 के बराबर रखेंगे तो सर x का मान एक आ गया। अब हम क्या करेंगे? बहुपद में x का मान एक रख देंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया x बराबर एक इसका शून्यक हो गया है, ठीक है? चलिए तो जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर 2 तो 2 ही रहेगा, सर 1 का वर्ग कितना होता है? 1 + kx + √2 = 0, तो आपने कहा सर ये तो 2 * 1 तो 2 हो गया,
प्लस के इंटू एक्स, तो सर के एक्स ही है, सॉरी एक्स की जगह तो हमें एक रख देना है, सॉरी गलती हो गई है, एक्स की जगह एक रख देना है बच्चे, ठीक है। तो आपने कहा सर जब एक्स की जगह एक रखेंगे तो सर ये के गुणा एक, तो ये हमारे पास में के ही बचेगा क्योंकि के की गुणा एक में करोगे तो के ही आ जाएगा, प्लस रूट टू बराबर जीरो। तो आपने कहा सर के का मान आ गया है, कि सर के का मान कितना आ गया है, माइनस के दो और माइनस के रूट टू। माइनस के क्यों सर, के तो इधर ही रहेगा, बाकी दोनों संख्याएं उस तरफ चली जाएंगी, तो दो प्लस के दो माइनस के हो गए सर, माइनस के रूट टू हो जाएंगे। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो बचेगा कितना, टू प्लस रूट टू, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ में आया बच्चे, ये बताइए पहले कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्यों है, क्योंकि दोनों ही आंसर नेगेटिव होंगे, माइनस के रूट टू और माइनस के टू, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया कि जब भी आपसे कोई के का मान पूछा जाए, ऐसा सवाल पेपर में मिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी बहुपद का गुणनखंड दिया जाएगा, आप इस तरीके को समझिए, जो भी आपको बहुपद का गुणनखंड दिया जाएगा, आप उस गुणनखंड को क्या करोगे सर, सबसे पहला काम उस गुणनखंड को हम जीरो के बराबर रख देंगे, और सर वहां से एक्स का मान निकाल लेंगे, कि सर एक्स का मान एक आ गया है, तो सर एक्स का मान एक हम बहुपद में रख देंगे, और बहुपद का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हमने एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक गुणनखंड दिया गया था, तो एक्स बराबर एक इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब आप इस सवाल को देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए हम ही समझा देते हैं सभी बच्चों को। लिखा है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6a² b का गुणनखंड कीजिए, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर दो जो मैथमेटिक्स का, जो आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर दो है, इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन गुणनखंड के ही है। आप इसमें जानते हुए कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमिकाएं हैं, तो उसमें से आपने एक सर्वसमिका ऐसी भी पढ़ी थी, देखिए आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, और आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और सर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, बताइए यही होता है, तो जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर ए प्लस बी का होल क्यूब यही होता है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग इसी को याद कर लो, देखिए जब आप लोग जानते हो तो आपने कहा सर ये सवाल तो हमें ऐसे लग रहा है कि सर जिस उसको हल करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सर इसकी गुणा अंतर करेंगे तो सर ये ऐसा आ जाएगा 3a² b प्लस इसकी गुणा अंतर करेंगे तो आ जाएगा 3ab² और सर हमें जो दिया गया सवाल है वो भी ऐसे ही दिख रहा है, a² b और ab² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि सर दिया गया सवाल हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो सर हो सकता है ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही हल हो, बिल्कुल ऐसे ही हल हो, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपने कहा सर हमें दिया गया 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab² तो आप क्या करोगे सर 8 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है, तो आपने कहा सर हम इसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, बताइए इतना समझ में आया कि आप 8a³ को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, समझ में आया सभी को, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है हमने इसको तो 2a का होल क्यूब, हम सर इसको b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आप फॉर्मूले से देखो, आपने एक को तो बना दिया सर a का होल क्यूब, ठीक है सर, एक को आपने बना दिया b का होल क्यूब, ठीक है सर, प्लस सर हमें 3ab ब्रैकेट से पहले चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 3 into a, ये तो 2a बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इंटू सर b तो हमारे पास में b ही है, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस b, यानी कि सर 2a प्लस b, 2a प्लस b, जब आप इसको हल करोगे, जब आप इसको हल करोगे, एक मिनट रुकिए जरा बच्चे, आपने कहा सर हम इसको लगाकर देख रहे हैं क्या ये ऐसे बन जाएगा, हाँ जब आप इसको हल करोगे तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 3 दुनी 6 दुनी 12 a² b, ठीक है सर, और ये आ जाएगा 3 दुनी 6 एकम 6 ab² तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा सब कुछ फिट बैठ रहा है सर, सब कुछ फिट फिट बैठ रहा है, कि ये बना ए क्यूब, ये बना बी क्यूब सर, ये बना 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और ये किसका सूत्र होता है, आप कहोगे सर ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो सर ए का मान कितना आ गया, आप कहोगे 2a और बी का मान कितना आ गया b, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है बच्चे। आप हमें एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं आया, देखिए आपको एक सवाल दिया गया है कि आप इसके गुणनखंड कीजिए, तो आपने क्या करा, आपने कहा सर हमें ये सवाल तो कुछ इस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता है,
तो आपने इसी सवाल को उस फॉर्मूले के अंदर बैठाने की कोशिश की कि ये किसका होल क्यूब बनेगा। तो आपने कहा सर 8 को अगर देखें तो 8 तो सर 2 का क्यूब होता है, और ए को देखें तो ये 2a का होल क्यूब बन गया। सर बी क्यूब, तो सर ये बी का होल क्यूब है। सर आगे वाले को हम फॉर्मूले के अंदर जचा के देख लेते हैं, क्या ये ऐसे जच रहा है 3ab a प्लस बी। तो आपने कहा सर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 सर ए की जगह तो हमारा 2a है, ठीक है सर, और सर बी की जगह हमारा बी है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी। और जब आपने इसको देखा तो ये पूरा का पूरा ओपन होके वही आ जा रहा है, यानी कि आप कहोगे सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर बन गया, यानी कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आया तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, ताकि हम आपको एक ऐसा सवाल होमवर्क में भी दे सके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, काफी सारे बच्चों ने वाई टाइप करके भेज दिया है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो देखो आपको ऐसे ही सवाल करने, एक सवाल हम आपको लिख कर दे देते हैं कि आपको ये सवाल क्या कर लेना है, होमवर्क के अंदर प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, अच्छा आप ये वाला होमवर्क के अंदर ट्राई कर सकते हो, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 6। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सभी बच्चे इसको अपना होमवर्क में जल्दी से एक बार ट्राई करके देखेंगे, या फिर अभी आप लोग 5 मिनट रुके हुए हो कि हम करा दें इस सवाल को भी, बताइए माइक ओपन करके। सर पहले हम ट्राई करेंगे फिर आप बता यस देना। सर। ठीक है चलिए, अच्छा आज के सारे सवाल समझ में आए आप सभी को? यस सर, ठीक है, यस सर। तो अगला चैप्टर भी आपका यही चलेगा अभी, बहुपद, और इसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और बाकी फिर आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और एक एक हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है बच्चे,